गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे आई विल टीच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट, बिल्कुल सही सुना आपने, आज मैं बात करूंगा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ही आसान है, आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने आप में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पर तो सब्सक्राइब करना एक बनता ही है आपका, और लाइक भी साथ करना बनता ही है आपका, ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब स्टूडेंट, ऑस्मोसिस का मतलब होता है सब्सटेंस का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ, लेकिन सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑस्मोसिस के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड मीडियम में होगा, याद रखना है ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम। और दूसरा कंडीशन है ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक छोटा सा मैं एक्टिविटी करके आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, आप मेरी बात तुरंत समझ जाइएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। यहाँ पर देखिए, सपोज डैट कि मैंने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, ओके, तो ये एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, एक बीकर ले लिया। अब क्या कर रहा हूँ, इस बीकर को बीच से मैं कवर कर दे रहा हूँ एसपीएम के मदद से। तो यहाँ पर परहैप्स आपको दिख रहा होगा कि इस बीकर को मैं किससे कवर कर दे रहा हूँ, मतलब कवर नहीं कर रहा हूँ, बीच में पार्टीशन लगा दे रहा हूँ, और ये पार्टीशन मेरा क्या है, एसपीएम, ओके। एसपीएम का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कंपार्टमेंट मेरा ए हो गया स्टूडेंट, और ये कंपार्टमेंट मेरा बी हो गया, ओके। कंपार्टमेंट ए में मैंने क्या किया स्टूडेंट के 100 ml वाटर लिया H2O, सबको समझ में आया। और कंपार्टमेंट ए में मैंने क्या किया, 10 ग्राम NaCl ले लिया, 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl। और इस कंपार्टमेंट बी में मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस कंपार्टमेंट बी में मैंने क्या किया स्टूडेंट, 120 ml H2O लिया। और मैंने क्या किया स्टूडेंट कि यहाँ पर 5 ग्राम NaCl ले लिया, ओके। तो अब ऑस्मोसिस होगा, मैं आपको बता दूं वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, बीक में, 120 ml है ना, तो वाटर आपको मूव करेगा, वाटर का मूवमेंट होगा बी से ए के तरफ H2O, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, बी टू ए के तरफ, जबकि सॉल्यूट किधर ज़्यादा है, ए के तरफ, तो NaCl का मूवमेंट होगा ए से बी के तरफ, तो NaCl का मूवमेंट होगा किधर से किधर, ए से बी के तरफ। तो ये जो मूवमेंट है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब वाटर का मूवमेंट बी से ए के तरफ, सॉल्ट का मूवमेंट ए से बी के तरफ, इसी मूवमेंट को हम लोग हाई टू लो कंसंट्रेशन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस थ्रो सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वाटर बी से ए के तरफ कितना मूव करेगा, तो देखिए तो डिफरेंस कितना है, बी में वाटर 120 ml, ए में कितना 100 ml, डिफरेंस कितना है 20। तो जब भी कोई चीज़ मूव करता है ना, तो डिफरेंस का एवरेज मूव करता है, तो इसका डिफरेंस कितना है 20, 20 का आधा कितना होगा, 20 का आधा 10 होगा। तो याद रखिएगा 10 ml वाटर बी से ए की तरफ मूव करेगा, तो जब 10 ml वाटर बी से ए की तरफ मूव करेगा तो बी में कितना वाटर हो जाएगा 120 से, और ए में भी कितना हो जाएगा 100 से 110, तो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। सिमिलरली अब ए से बी की तरफ सॉल्ट कितना मूव करेगा, तो डिफरेंस कितना है, इधर 10 है उधर 5 है, तो डिफरेंस 5 का है, तो 5 का आधा कितना होगा 2.5, अढ़ाई, तो सॉल्ट ए से बी की तरफ मूव करेगा 2.5 ग्राम। तो आप देखिए ना, 10 में से 2.5 ग्राम जब कम होगा तो 7.5 ग्राम ए की तरफ हो जाएगा, और जब बी में 2.5 जाएगा तो उधर भी 7.5 हो जाएगा, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इसी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये चीज़ आपको क्लास 12th के NCERT बुक में मिलेगा। अब मैं चर्चा करूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए।